हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज डिफरेंशियल कैलकुलस का लेक्चर नंबर 24 हम पढ़ने वाले हैं और इसमें हम पढ़ने वाले हैं एक एग्जांपल, फाइंड द एसिम्प्टोट्स ऑफ द फॉलोइंग कर्व, यानी एसिम्प्टोट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल पढ़ रहे थे। अब इसमें हम जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, हमने एक सिंपल जनरल मेथड पढ़ा था, इसमें भी हम एक दूसरा मेथड पढ़ेंगे जिसकी हेल्प से हम डायरेक्टली एसिम्प्टोट्स निकाल लेते हैं। सपोज की फ्रेंड्स हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं एसिम्प्टोट्स निकालने के लिए, वही सिंपल सा चेक कि एक्स के जो हाईएस्ट कोएफिशिएंट टर्म है उसको इक्वल टू जीरो फर्स्ट जो काम करना होता है, वो पहले भी मेथड में और इस मेथड में भी। सबसे पहले हम करते हैं हाईएस्ट कोएफिशिएंट, हाईएस्ट पावर टर्म कोएफिशिएंट देखते हैं, यानी अगर हम देखें इसमें x के पावर जो है q और y की पावर जो है q, इनका हाईएस्ट टर्म का कोएफिशिएंट क्या है 1 एंड -1। तो यहाँ का अगर इसकी कंडीशन में सपोज कि यहाँ पे y x क्यूब होता तो हमारे पास एक एसिम्प्टोट्स यहाँ से निकाल लेते जो कि इसकी टर्म का जो हाईएस्ट कोएफिशिएंट है उसको इक्वल टू जीरो पुट करके, तो यहाँ से y इक्वल टू जीरो एक एसिम्प्टोट्स आ जाती। बट यहाँ पे हमारे पास y नहीं है तो इस कंडीशन में y इक्वल टू जीरो भी एक एसिम्प्टोट्स नहीं है। अगर सपोज इसका कोई कोएफिशिएंट होता x का कोई कोएफिशिएंट x की टर्म में तो उसको हम जीरो के इक्वल पुट करते और एसिम्प्टोट्स निकाल लेते हैं। ये हो गया हमारे पास एक तो जो किसी एक्सिस के पैरेलल कोएफिशिएंट एसिम्प्टोट्स हो वो यहां से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। बट फ्रेंड्स जरूरी नहीं है कि जो किसी कर्व है, ये कर्व है उस कर्व है उसकी एसिम्प्टोट्स किसी एक्सिस के पैरेलल ही हो, उसके अलावा भी हो सकती है। तो उन एसिम्प्टोट्स को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये पहला मेथड था हमने सिंपली y बराबर mx प्लस c पुट किया और वहां से निकाला। सेकंड है हम इसमें हम कर रहे हैं, पहले हम देख रहे हैं हाईएस्ट पावर, टोटल हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर टोटल हाईएस्ट पावर से मतलब है मेरा फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे पावर सी वन है और यहाँ टू है तो इन दोनों का सम क्या हो थ्री, ये वाली टर्म देख रहे हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है थ्री, यहाँ पे थ्री है, यहाँ पे भी थ्री है, इन दोनों पावरों का सम करें तो यहाँ पे भी थ्री है, यहाँ पे भी थ्री है, तो ये वाली टर्म हम देख रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर टर्म है वो है हमारे पास, अगर हम देखें तो फाइव एक्स वाई अगर उसको रूप में लिखना चाहें हम एक्स डॉट वाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, ये हमारे पास है। अब इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं y की जगह, इस इक्वेशन में y की जगह हम m पुट करते हैं और x की जगह 1 पुट करते हैं। फ्रेंड्स ये जो हमने पहले जो जनरल मेथड पढ़ा था उसी का एक रिजल्ट है, ये y बराबर m पुट करते हैं और x बराबर 1 पुट करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है 5m फॉर्म में आ जाता है ओनली, क्योंकि y की जगह हम m पुट करेंगे, x की जगह 1 पुट करेंगे तो फंक्शन जो होगा वो ओनली m का होगा। तो यहां से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 1 प्लस और ये हो जाएगा हमारे पास m माइनस m स्क्वायर माइनस m क्यूब इक्वल टू जीरो, तो ये हो गया हमारे पास। अब यहां से इसको इक्वल टू जीरो पुट करके हम m की वैल्यू निकालते हैं, तो अब यहां से इसको इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, ये इक्वल टू जीरो मैंने पुट कर दिया इसके, अब m की वैल्यू निकालेंगे तो m की वैल्यू अगर हम देखें m बराबर 1 पुट करें तो 1 1 माइनस 1 माइनस 1, यानी m बराबर माइनस 1 इसका कोएफिशिएंट है, तो हम पहले ये इक्वेश करेंगे m बराबर माइनस 1 एक कोएफिशिएंट बन जाए। तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो एम क्यूब प्लस एम स्क्वायर माइनस एम माइनस वन इक्वल टू जीरो, दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये हो गया हमारे पास। अगर दोनों में हम अब इसमें एम माइनस वन को कोएफिशिएंट बनाना है तो एम क्यूब माइनस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस टू एम स्क्वायर, क्योंकि एक एम स्क्वायर को हमने माइनस किया है तो एक एम स्क्वायर को जोड़ना भी होगा, ये हो गया टू एम स्क्वायर, तो यहां से हमें माइनस टू एम भी चाहिए क्योंकि टू एम को मान लेंगे तो एम माइनस वन कोएफिशिएंट बन जाएगा। अब ये माइनस टू एम हो गए तो मतलब यहाँ पे हमारे पास एक एम ऐड करना पड़ेगा, ये हो गया माइनस वन इक्वल टू जीरो। अगर इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो यही इक्वेशन आ जाएगी। अब अगर यहाँ से हम एम स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं तो एम माइनस वन और ये हो गया हमारे पास प्लस टू एम एम माइनस वन और ये प्लस वन एम माइनस वन इक्वल टू जीरो, यानी कि हमारे पास आया
एम स्क्वायर प्लस टू एम प्लस वन एंड ये हो गया एम माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया हमारे पास एम स्क्वायर प्लस वन का कोएफिशिएंट, ये हो गया एम प्लस वन का स्क्वायर और ये एम माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एम की दो वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, एम की जो वैल्यू आई है वो है एक तो वन और माइनस वन, यानी टोटल तीन वैल्यू है क्योंकि तीन कोएफिशिएंट है, बट दो जो वैल्यू है वो रिपीट कर रही है। तो इस तरह से हम सी की वैल्यू निकालेंगे जब वैल्यू रिपीट कर रही हो और जब वैल्यू रिपीट नहीं कर रही हो। तो अब ये भी हम देखेंगे इसमें। अब फिर से हम देखते हैं सेकंड टर्म के कोएफिशिएंट, सेकंड हाईएस्ट पावर टर्म के कोएफिशिएंट अगर हम देखें तो इसमें अगर देखें तो हमारे पास एक्स क्यूब, अब हमें देखते हैं एक्स यानी स्क्वायर वाले टर्म के कोएफिशिएंट। तो स्क्वायर वाले टर्म का कोएफिशिएंट अगर हम लिखना चाहें यहाँ पे, अब स्क्वायर वाले लिखनी है हमें यहाँ पे, तो इसको हम फाइव, ये तो पहले वाले फाइव थ्री दे देते हैं तो इसको फाइव टू दे देते हैं, ये हो गया। अगर हम स्क्वायर वाले टर्म देखें तो यहाँ पर कोई भी टर्म नहीं है, यानी वो जो है हमारे पास जीरो है। तो यहाँ से हमारे पास फाइव टू एम, यानी यहाँ पे अगर हम अगर होता तो हम क्या करते हैं, तो हम इसमें पुट करते हैं x बराबर वन और y बराबर m, इस जैसे पहले पुट किया था वही हम यहाँ पे पुट करते हैं x बराबर वन और y बराबर m और y m पे कुछ कोएफिशिएंट निकालते हैं, उसके बाद हम उसकी हेल्प से c की वैल्यू निकालते हैं। तो अब ये हो गया हमारे पास, बट अगर जैसे सपोज करें कि रिपीट नहीं कर रही है वैल्यू, तो हमारे पास सिर्फ फाइव टू एम तक निकालने की जरूरत है, यानी एक तो हाइएस्ट वाला और एक हाइएस्ट से कम वाला। बट अगर रिपीट कर रहे हो तो उस कंडीशन में उससे हमने जो सबसे कम उससे कम पावर जैसे दो बार रिपीट कर रही है तो हमें ये तो निकालना ही है। अगर वैल्यू एक बार है तो एक बार कम करना है, दो बार है तो दो बार कम करना है, यानी हमें फाइव एन की भी चाहिए। तो फाइव एन का अगर कोएफिशिएंट देखें एन एक्स की फाइव एन एम, यानी कि हमें देखना है जहां पे एम है वहां पे वाई बराबर एम एंड एक्स बराबर वन पुट करना है। तो यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास माइनस थ्री एक्स माइनस y, ये अगर यहाँ पे हम y बराबर m और x बराबर 1 पुट करें तो ये हो जाएगा माइनस थ्री माइनस m, तो ये हो गया माइनस थ्री माइनस m। अब फ्रेंड्स ये हो गया हमारे पास, तो अब हमें निकालने वैल्यू ऑफ एसिम्प्टोट्स की। तो यहां से अगर एसिम्प्टोट्स की हम फॉर्मूले की बात करें तो जब हमारे पास वैल्यू रिपीट कर रही हो, रिपीट नहीं कर रही हो, उस कंडीशन में हमारे पास जो सी की वैल्यू निकालते हैं, सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम माइनस फाइव टू एम अपॉन जो फाइव थ्री था उसका डेरिवेटिव ऑफ एम ये निकालते हैं। बेसिकली ये जो हमारे पास टर्म है, ये टर्म है हमारे पास सी फाइव थ्री डैश एम माइनस फाइव टू एम इक्वल टू जीरो, ये टर्म है हमारे पास बेसिकली। और यहां से हम सॉरी प्लस यहां से हम वैल्यू निकाल रहे हैं सी थ्री की, क्योंकि जो जनरल फॉर्म होती है वो इसी फॉर्म में होती है। अब यहां से अगर वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम यहां से हमारे पास फाइव टू एम बराबर क्या है जीरो, क्योंकि ये जीरो है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू जो सी की वैल्यू जो आई है वो जीरो आ चुकी है। तो जब एम बराबर वन है तो हमारे पास जो एसिम्प्टोट्स आई है वो आई वाई बराबर एक्स, जब वाई एम बराबर वन है क्योंकि वाई बराबर एम एक्स प्लस सी में वैल्यू पुट करनी है हमें एम एक्स प्लस सी, तो सी बराबर जीरो निकला और एम बराबर वन है तो वाई बराबर एक्स एक इसकी एसिम्प्टोट्स है। अब जब वैल्यू रिपीट कर रही है तो वैल्यू रिपीट करने के केस में हम इसकी एसिम्प्टोट्स किस तरह से निकालेंगे, क्योंकि दो बार रिपीट कर रही है तो फिर से हमें यहां से स्टार्ट करना है, दो बार रिपीट कर रही है तो वन बाय टू फैक्टोरियल सी स्क्वायर फाइव थ्री जो था उसका डबल डैश एम प्लस सी और जो फाइव टू जो था उसका डैश एक बार एम प्लस फाइव वन एम इक्वल टू जीरो, ये है हमारे पास। अगर सपोज कि हमारे पास तीन टाइम रिपीट कर रही होती वैल्यू तो यहां से हमें तीन टाइम से तो एक टर्म हमारे पास और जुड़ जाती, जब जब वो चालू होता है वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल
और CQ54 होता है उस कंडीशन में, क्योंकि हमारे पास तीन टाइम रिपीट कर रही होती, तो सपोज तीनों वैल्यू रिपीट ही कर रही होती और एम की कोई वैल्यू नहीं होती, तो उस कंडीशन में 54MMM ये 54 भी हो सकता है, 53 हो सकता है। 54 कब होगा, जब हमारे पास x की हाईएस्ट पावर 4 हो, और सपोज x पावर 3 हो सकता है जब सारी वैल्यूज ही रिपीट कर रही हो, तो जब सारी वैल्यू रिपीट कर रही होंगी तो यह 3 होगा, और जब एक ही वैल्यू रिपीट कर रही होगी, सिर्फ तीन वैल्यू रिपीट कर रही होगी और एक वैल्यू रिपीट नहीं कर रही होगी, तो उस कंडीशन में यह 53 होगा। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं, यानी कि जितनी बार रिपीट कर रही है उसके अकॉर्डिंग चलेगा। ये हो गया हमारे पास, अगर तीन टाइम रिपीट करेंगे तो 53 और 4 का तो 4 प्लस 1/2 फैक्टोरियल 53MM प्लस 1, यानी यहाँ पे कुछ फैक्टोरियल नहीं आएगा C, और यहाँ पे C स्क्वायर आएगा, सर CQ, और यहाँ पे फिर सर CQ से यहाँ स्टार्ट होगा C स्क्वायर, और यहाँ पे C, और यहाँ पे हो जाएगा फिर 52MM प्लस 51MM। तो इस तरह से निकाल सकते हैं, ये तब है फ्रेंड्स जब हमारे पास वैल्यू जो है टोटल जो कोएफिशिएंट है 4 हो। अगर सपोज ये हाईएस्ट कोएफिशिएंट 3 हो, तो उस कंडीशन में यहाँ 53 और 52 51 एंड 50, तो इस तरह से ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम चेंज कर सकते हैं। अब वैल्यू हमारे पास यहाँ पे तो रिपीट करे, दो बार रिपीट करे, तो ये वाले क्वेश्चन हमें यूज करनी है। तो ये हो गया, अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें तो 1/2 फैक्टोरियल वैल्यू 1/2 सी स्क्वायर। अब 53MM, 53 क्या था हमारे पास, 53 मैंने यहां से हटा दिया फ्रेंड्स, 53 था हमारे पास। अब 53 को यहां लिख देता हूं मैं, 53 था हमारे पास, 53M बराबर था वन प्लस एम माइनस एम स्क्वायर माइनस एम क्यू, ये था हमारे पास। तो इसको 53MM निकालना है, यानी इसका 2 टाइम डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एम। तो एक टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तब तो हमारे पास आ जाएगा ये कोएफिशिएंट, हट जाएगा ये, हट जाएगा ये 1-2m माइनस 3m स्क्वायर, और फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, वो वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं, डबल डेरिवेटिव जो आएगा ये आ जाएगा -2-6m, ये आ जाएगा इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एम, तो ये आ जाएगा। उसके बाद हमें रखना है 52m भी 0 है तो 52 भी 0 होगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि 52m 0 है इस कंडीशन में। प्लस 51m क्या है हमारे पास, 51m जो है ये -3-m इक्वल टू 0, ये हो गया। तो यहां से हमारे पास ये टर्म जो है c की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर यहां से c की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, c की वैल्यू यहां से सॉरी वन टू कॉमन लेना, तो वन यहां से टू कॉमन ले लिया तो हमने ये जाएगा हमारे पास सी स्क्वायर, और माइनस कॉमन ले लें तो ये जाएगा 1+3m, ये हो गया, और ये प्लस ये हो गया -3-m। तो अगर यहां से हम सी की वैल्यू निकालना चाहें तो सी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा यहाँ पे राइट हैंड साइड 3+m अपॉन माइनस का 1+3m, ये हो गया। अब फ्रेंड्स यहां से हमारे पास c की वैल्यू जो आई है, c की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास, यहां पे लिख दूंगा c की वैल्यू। तो c की वैल्यू लिखने के लिए हम यहां से c बराबर ये हो जाएगा हमारे पास √3+m अपॉन -1-1+3m। अब फिर से अगर सपोज m की वैल्यू हम -1 पुट कर रहे हैं, तो -1 पुट करने पे ये वैल्यू जो आएगी हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगी, देख क्योंकि रिपीट हो रही है तो एक बार ही वैल्यू पुट करनी है। तो अगर जब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा 3-1 2, और अगर इस पे यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास -3 -3+1 यानी -2 और -2 2 हो जाएगा अंदर, तो ये आ गया हमारे पास 1। तो इस तरह से इसकी जो रूट की वैल्यू जो होगी +-1, तो यहाँ से हमारे पास सी की दो वैल्यू आ चुकी है +-1। तो हमारे पास जो एसएमटोट्स हैं वो हमारे पास y बराबर
एक माइनस एक्स तो है ही, माइनस एक्स प्लस वन और वाई बराबर माइनस एक्स माइनस वन, यानी ये टोटल तीन एसिम्प्टोट्स हमारे पास आ चुके हैं, फर्स्ट एसिम्प्टोट, सेकंड एसिम्प्टोट, थर्ड एसिम्प्टोट्स। तो एसिम्प्टोट्स को इजीली इस तरह से भी निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और एग्जाम्पल इसके देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।